हेलो फ्रेंड्स, एमएससी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक द्वारा पूंजी का विनियोजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय बैंक। इसके अंतर्गत बैंक अपने पैसे को, अपने धन को, अपने धनराशि को कहाँ पे किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उसे प्रॉफिट प्राप्त हो, यानी बैंक्स अपने धन के इन्वेस्टमेंट के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर तीसरा है, अध्याय 3 है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बैंक द्वारा पूंजी का विनियोजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय बैंक्स। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इसमें जानना चाहते हैं कि है क्या। देखिए, कमर्शियल बैंक लाभार्जन करने वाली संस्था है। यानी कोई भी जो कमर्शियल बैंक्स है, हम इंट्रो के अंतर्गत पढ़ते हैं, कोई भी जो सीबी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, वो लाभार्जन करने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य साधनों से पूंजी एकत्रित करना, यानी यह लाभार्जन करने वाली यह संस्था, इसका मुख्य उद्देश्य है साधनों से, मतलब उसके विभिन्न साधनों से पूंजी एकत्रित करके लाभपूर्ण ढंग से निवेश करके, पूंजी एकत्रित करके और फिर इसका क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है। कैसे करती है? लाभपूर्ण ढंग से निवेश करके प्रॉफिट यानी लाभ कमाना ही इसका परिचय है, इसका उद्देश्य है। हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक लाभार्जन प्राप्त करने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न साधनों से पूंजी एकत्रित करके लाभपूर्ण ढंग से निवेश करके लाभ कमाना। यानी बैंक क्या करता है, ये बैंक दूसरों से जमा राशि स्वीकार करता है, यानी पैसे को प्राप्त करता है। बैंक्स क्या करता है, दूसरों से जमा राशि स्वीकार करता है और इस राशि को मतलब अपने पास सुरक्षित रख करके और ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे उसे लाभ प्राप्त हो। यानी ये अपने पास इकट्ठा करता है और जो व्यवसायिक जनता होती है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से जो जनता होती है, जिनको पैसे की जरूरत होती है, उनको पैसे ये ऋण के रूप में क्या करता है, देता है, ताकि वो अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तो उसके बदले में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं, यानी बैंक क्या करता है कि पैसे स्वीकार करता है और दूसरों की जमा राशियों पे वो व्यवसाय करता है। हमारे पैसे से, आपके पैसे से, पब्लिक के पैसे से वो क्या करता है, अपने पास जमा स्वीकार करके उसी के पैसे से व्यवसाय करता है और लाभ कमाने का काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये जो बैंक है, जनता के विश्वास पे ये चलता है, यानी जनता के विश्वास पर ये बैंक चलता है और बैंक भी जनता पे विश्वास करता है और जमाकर्ता के हितों की रक्षा करता है। यानी इस परिचय के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जितने जमाकर्ता हैं उनके हितों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बैंक्स के परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि बैंक कमर्शियल बैंक लाभार्जन प्राप्त करने वाली एक संस्था है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है साधनों से पूंजी एकत्रित करके लाभपूर्ण ढंग से निवेश करके लाभ कमाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और दूसरों की जमा राशियों से व्यवसाय करता है और बैंक का व्यवसाय जनता के विश्वास पर निर्भर करता है, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि बैंक का एक परिचय है और निवेश नीति के सिद्धांत को हम देखते हैं। निवेश नीति के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बैंक जब अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है तो हमेशा उसकी सुरक्षा की भावना से इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिटेबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है कि कहीं उसके पैसे में जोखिम रिस्क ना हो। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सुरक्षा का सिद्धांत। बैंक क्या करता है, यह बैंक है जो पैसे है वो सुरक्षा का सिद्धांत, सुरक्षा इसके प्रथम पंक्ति के अंतर्गत आता है। तो सुरक्षा का सिद्धांत यानी बैंक को बैंक अपनी राशि का निवेश ऐसे ढंग से करती है,
बैंक अपनी धनराशि का इन्वेस्टमेंट ऐसे तरीके से करती है, ऐसे क्षेत्र में करती है, ऐसे जगह करती है, ऐसे व्यवसाय में करती है, ऐसे उद्योग में करती है जहां पे उसकी धनराशि सुरक्षित हो, रिस्क न हो, उसमें मतलब कुछ असंभावनाएं न हो, ऐसे जगह अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके पैसे इन्वेस्टमेंट करता है। यानी अब तक सुरक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत क्या करता है कि वो अल्पकालीन ऋण क्या करता है, बैंक अल्पकालीन ऋण देता है जिसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसको हम 5 साल, 1 साल से 5 साल की अवधि की बात कर सकते हैं। तो बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस करता है, लोन देता है, ताकि कम समय में अपनी धनराशि को रिकवर करके वो अपने पुनः लाभ को प्राप्त करे। ज्यादा लंबा पीरियड हो जाएगा तो उसमें डूबने की संभावनाएं ज्यादा होती है, किस्त फॉल्ट होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, जो ड्यूरेशन कम होता है उसमें संभावनाएं कम मतलब ज्यादा होती है, कोई फॉल्ट होने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अल्पकालीन ऋण देता है और विविध ऋण देता, विविध ऋण का मतलब हो गया विविध ऋण, यानी बैंक क्या करता है सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न ऋण यानी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि क्षेत्र में भी देगा। कभी भी बैंक किसी एक व्यवसाय के अंतर्गत फाइनेंस नहीं करता, अगर एक व्यवसाय के अंतर्गत करता जैसे मान लीजिए कृषि में ही कर दिया, तो कोई प्राकृतिक आपदा आ गया और कृषि की सारी फसलें नष्ट हो गई तो बैंक को कृषक ऋण वापसी नहीं कर सकता, इसलिए बैंक क्या करता विविध क्षेत्रों में ऋण को प्रदान करता है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कार लोन गया, कोई पर्सनल लोन गया, कोई होम लोन ले गया, कोई उद्योग लोन ले गया, कोई उद्योग उद्योग ले गया, कोई लघु उद्योग ले गया, कोई पशुपालन, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी एरिया है फाइनेंस बांटने के लिए। तो सभी क्षेत्रों में जब लोन देता है, अगर एक क्षेत्र से उसकी ईएमआई नहीं आती है तो दूसरे से आती है, दूसरे से नहीं आती तो तीसरे से आती है, तीसरे से नहीं आती है तो चौथे से आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं जब बहुत क्षेत्रों में हम फाइनेंस किए रहेंगे तो किसी एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सभी सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो उन जो सेक्टर सुरक्षित है उस सेक्टर से तो इसको ईएमआई आएगी और पैसे आएंगे। तो इस तरह से बैंक में वो धनराशि आती रहेंगी जिससे वो दूसरे अन्य व्यक्ति को पैसा दे सके। और तीसरा है ऋण की जांच, इसमें क्या है बैंक ऋण की जांच, ऋण की जांच यानी ऋण जो देता है उसकी वो जांच करता है कि हम जो ऋण दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, किस व्यवसाय के लिए दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पैसा अक्सर ये उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देना चाहता है, जहां पे प्रोडक्शन हो, जब प्रोडक्शन होगा तो उसे उस वस्तु को बेच करके उस क्या करता है उसका जो भुगतान है उसको मिलता रहेगा। लेकिन केवल अगर हम उपभोग कार्यों के लिए फाइनेंस लेते हैं तो बैंक उपभोग कार्यों के लिए फाइनेंस करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उपभोग करना मतलब खा लेंगे पैसे फिर उसका ऋण वापस नहीं करते। सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यानी वो ऋण की जांच करता कि कहां पे हम अपने ऋण दे रहे हैं, उचित जमानत, उचित जमानत, उचित जमानत के आधार पर, यानी उचित जमानत। बैंक अगर 1 लाख रुपया आपको ऋण देता है तो कम से कम 2.5 लाख रुपया का वो एक जो जमानत जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज पेपर, यानी प्रतिभूतियां अपने पास रखना चाहता है, एसेट्स गिरवी रखता है अपने पास, जैसे आपके पास भूमि है, आपके पास घर है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास एफडी है, इस तरह आपके पास वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं को अपने पास रख करके वो आपको ऋण देता है। उचित जमानत कहने का मतलब है 1 लाख लेना तो 2.5 लाख रुपया की संपत्ति अपने पास रखता है, ताकि अगर आप फर्क 2-3 किस्त हो जाए तो उस राशि को बेच करके नीलाम करके वो अपनी धनराशि की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट बताया उत्पादन कार्य, मैंने बताया उत्पादन कार्यों के लिए, इसी के अंदर सब चल रहा है सुरक्षा के सिद्धांत। उत्पादन कार्य यानी क्या करता है बैंक हमेशा जहां पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे देना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, कंपनी में प्रोडक्शन करेंगे तो सुबाई के वो प्रोडक्शन में उत्पादित वस्तुएं बिकेंगी, या बिकेंगी तो हमें कहीं कहीं से इनकम जनरेट होगा, और जब इनकम जनरेट होगा तो हम इसका पैसा दे देंगे। हम दुकान खोल लिए, मिठाई की दुकान खोल लिए, मिठाई बन रहा है, बिक रहा है, हम दे देंगे। या जो गवर्नमेंट्स की दुकान खरीद लिए, मतलब जिस तरह के ऐसे जो प्रोडक्शन और ऐसा व्यापार हो जिसमें इनकम का जरिया बना हो, जो हमेशा उसकी डिमांड बना हो, तो ऐसे जगह पे बैंक
पैसा देना चाहती है, सस्ती साख नीति, यानी जो उसकी क्रेडिट है, जो कर्जे देने का है, ब्याज दर है थोड़ा सा कम रखती है, दीर्घकालीन ऋण में देते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस नहीं करती है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में फाइनेंस सुरक्षा नहीं, उसमें सुरक्षा कवच नहीं बन पाता है, इसलिए कमर्शियल बैंक लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस नहीं करती है। लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस इंडस्ट्रियल बैंक्स करते हैं, औद्योगिक बैंक कर सकते हैं, क्योंकि उद्योग के दृष्टिकोण से ही 20 या 25 वर्ष के लिए फाइनेंस प्राप्त करते हैं। तीसरा से हमने देखा सुरक्षा का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। दूसरा तरलता का सिद्धांत, तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बैंक ये चाह मतलब ये सोचता है कि हम ऐसी जगह पे फाइनेंस करें जो वो व्यवसाय लिक्विडिटी हो उस आधार पे, ताकि अगर कोई बात हो तो उसको बेच करके हम अपनी भुगतान प्राप्त कर लें। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए दो चीजें हैं, आपके पास खेत हो, आपके पास एफडी हो, आपके पास गोल्ड हो, तो अगर हम इसमें ऑप्शन दें कि इन्हीं जमानत में हमको फाइनेंस चाहिए, तो बैंक्स क्या करता है, प्रीफर करेगा गोल्ड को भी, क्योंकि अगर आप नहीं दे पाएंगे तो गोल्ड बाजार में बड़ी आसानी से बिक जाती है, और बिक करके वो अपने पैसे का भुगतान कर लेगा। एफडी भी क्या है, एफडी को तुरंत तोड़ दिया जाता है, तुरंत टूट गया और उसके बाद वो पैसे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर खेत है, खेत मान लीजिए 10 लाख का खेत है और 2 लाख का फाइनेंस है, तो खेत में बड़ा दिक्कत है, उसको किसके नाम, बहुत सारी समस्या है, तो इस तरह से ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। एक चीज है कि क्या है, गवर्नमेंट सिस्टमेटिक जो क्या है, ये शीघ्र मिलने वाली जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, पेपर्स, बॉन्ड्स, इस तरह की भी बेचती है बाजार में, जो बैंक उसको खरीदता है, और बैंक खरीदता है और उसके बाद जैसे ही सरकार को पैसे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत खत्म हो जाती है, तो बैंक उसको पैसा दे करके अपने बॉन्ड्स को खरीद लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब बाजार में पैसे की मात्रा अधिक हो जाती है, तो गवर्नमेंट भी प्रतिभूतियां बॉन्ड्स बेच करके बाजार से पैसे कम करती है, जिससे बाजार में बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट का बेचती है। इन्होंने एक बॉन्ड जारी किया 50 करोड़ का, और ये कहा कि 50 करोड़ का है और 3 महीने के लिए है, अगर आप 50 करोड़ रुपए आपको दे देंगे, यानी इन्होंने बैंक 50 करोड़ को कैश दिया, इनको एक पेपर पकड़ा दिया, ले तू कागज में 50 करोड़ रुपए का, और 3 महीने बाद कहा कि हम आपको 51 करोड़ रुपए दे देंगे। तो जैसे 3 महीना का पूरा होता है तो ये 51 करोड़, तो बहुत सारे पैसे 50 करोड़ और यहाँ चला जाता है, बाजार से पैसे कम हो जाते हैं। 50 करोड़ का 51 करोड़ जब इनको देता है बैंक को, तो फिर बैंक क्या करता है, जनता को बढ़ा देती है, जनता में पैसे बढ़ जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो क्या है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, हाई अच्छे कंपनी के शेयर्स हैं और इस तरह से ऋण पत्र हैं, तो ऐसे कंपनियों के प्रतिभूतियां, ऋण पत्र और शेयर्स खरीदने के लिए भी क्या करती है, ये बैंक पैसा देती है, क्योंकि ये लिक्विडिटी है। तब लिक्विडिटी का मतलब तरल कैश, जो रुपया होता है कैश ना, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं, जिसको पॉकेट में लेकर के जब चाहे तो गंवार आदमी से भी, अनपढ़ आदमी से भी हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, उस और उसका भुगतान हमें मिल जाए, उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। जहाँ पे इसको हम M1 से भी दर्शाते हैं, फर्स्ट नंबर पे M1 है लिक्विडिटी के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से हमने देखा कि बैंक्स ऐसे जगह अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे तरलता की संभावनाएं ज्यादा हो, यानी जोखिम की संभावनाएं कम हो, और ज्यादा से ज्यादा कम समय में उसे बेच करके उसको रिकवरी कर ले। जैसे शेयर है तो बिक जाएगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा, ऋण पत्र है वो भी बिक जाएगा, सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं वो भी बिक जाएगी, उसमें ज्यादा उसमें संभावनाएं रहती है कि मतलब कम समय में यह मिल जाएगी, तो इस तरह से पैसे बैंक के खाली हो जाते हैं और फिर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। जोखिम की विविधता जो हमने बताया है, जोखिम की विविधता से तात्पर्य वही है कि बैंक विभिन्न क्षेत्रों में फाइनेंस करता है। जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में फाइनेंस कर दिया, जैसे मान लीजिए कार लोन कर दिया, जैसे मान लीजिए होम लोन कर दिया, मान लीजिए शिक्षा लोन कर दिया, मान लीजिए उद्योग लोन कर दिया, उद्योग धंधे से संबंधित औद्योगिक लोन कर दिया, नहीं औद्योगिक लोन तो उसमें हो जाए, ये लघु उद्योग है,
कुटीर उद्योग है, इस तरह से छोटे मोटे मतलब उद्योग धंधे, यानी बहुत सारे ऐसे संभावनाएं हैं कि बैंक्स विभिन्न सेक्टर में अपना फाइनेंस करती है, ताकि अगर ये इससे ईएमआई नहीं आ पाता तो इस साल, इससे नहीं आता है तो इससे आए, अगर एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो विभिन्न सेक्टर से इसको ईएमआई आती रहे। इसी को कहते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैंक्स कभी भी एक सेक्टर में फाइनेंस नहीं करता, एक क्षेत्र में वो फाइनेंस नहीं करता, सभी क्षेत्रों में वो अपने पैसे को बांट देता, सभी क्षेत्रों में बांटता है, ताकि कभी किसी क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे क्षेत्र से उसको पैसे आते रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जोखिम की विविधता, इसमें जोखिम रिस्क बैंक के पास कम हो जाता है जब सभी क्षेत्रों में बांट करके फाइनेंस करते हैं। जमानतों के निरीक्षण का सिद्धांत, जमानतों के निरीक्षण के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बैंक कस्टमर को, इन कस्टमर को लोन देते समय ये अगर इन्हें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कस्टमर के पास इस 10 लाख से अधिक कि इनके पास एसेट्स होना चाहिए। जब तक एसेट्स 10 लाख से ऊपर, मान ली 15 लाख का इनके पास एसेट्स होना चाहिए, 20 लाख का एसेट्स होना चाहिए, तो 10 लाख को बैंक से इनको क्या करती है, पैसे करती है, और इसे इस एसेट्स का पूरी तरह से जांच करती है, इनका पूरा जांच करती है, कैसे व्यक्ति हैं, इनको पैसे देने से ऐसा तो नहीं ना पैसा हमारा फंस जाएगा, तो इस तरह से सब जांच करके बैंक क्या करती है, उनको पैसा देती है। इसी को कहते हैं जमानतों के निरीक्षण का, और जिस आधार पे इन्हें फाइनेंस दिया जा रहा है, क्या बैंक उसका सर्वे किया, उसका निरीक्षण किया। हर बैंक्स में एक फील्ड अफसर होते हैं जो वो फील्ड में जाए, कस्टमर की वास्तविकता को जाने और इसको फाइनेंस देने योग्य है कि नहीं, तो तभी ऋण दे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें इस तरह से फाइनेंस करता है जिससे बैंक्स के पैसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से हमने कहा कि जमानतों के निरीक्षण का सिद्धांत, ये देखिए एक भूल, ये मिस्टेक हो गया। यानी निवेश की कर मुक्ति का सिद्धांत क्या होता है, इसको भी जान सकते हैं। निवेश मतलब बैंक को ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा टैक्स न देना पड़े, मतलब गवर्नमेंट उस पे ज्यादा ज्यादा इनकम का टैक्स न वसूल करे, अगर करे तो थोड़ा मोड़ा टैक्स करे। तो ऐसे जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे टैक्स गवर्नमेंट को कम से कम देना पड़े, उसी को कहते हैं निवेश की कर मुक्ति का सिद्धांत। ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पे टैक्स गवर्नमेंट को कम देना पड़े। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये हो गया राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। राष्ट्रीय हित का सिद्धांत से तात्पर्य है कि हम भारत की अगर बात करें तो भारत गांव का देश है, और राष्ट्र हित में केवल एक ही स्पेशल, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन आदि को ही फाइनेंस ना करें। राष्ट्र हित से मतलब यह है कि देश के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र होता है, जो कुटीर क्षेत्र होता है, जो लघु उद्योग होता है, जिसमें जो आम जनता होती है, इन सभी का ध्यान रख करके इनको क्या करें, लोन दे, फाइनेंस करें। तो इसका राष्ट्रीय, जिससे क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अगर फाइनेंस होगा, अगर अपना ये कारोबार करेंगे तो इनकम जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यानी राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, ऋणों का नवीनीकरण करना, यानी ऐसे व्यक्ति को जिसको हमने ऋण दिया, जैसे मान लीजिए इनको हमने 5 लाख रुपया का ऋण दिया, और क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छा इनका रिस्पांस नहीं रहा, और फिर कहते हैं यार हमको और दे देते 5 लाख रुपया, तो फिर हम आपका पुराना दोनों मिला करके सब दे देते। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, निवेश के लिए मतलब ऋणों का नवीनीकरण नहीं करता, इसको रोकता है, क्योंकि एक बार ये पैसा देकर के फंसा है, पुनः उसी व्यक्ति को, उसी संस्थान को, उसी उद्योग को दोबारा फाइनेंस नहीं करता है, क्योंकि ये वो अच्छे कस्टमर नहीं है। अगर ऐसे जगह पे करेगा तो उसके पैसे जोखिम भरे रहेंगे, रिस्क होगा, तो अपने सिद्धांत सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सरकार तथा केंद्रीय नीतियों का पालन। देखिए बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीति से सिद्धांत पे संचालित होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट का जो भी रूल हो, आरबीआई का जो भी रूल है, उसका इनको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। जहां पे फाइनेंस करने के लिए कहेगा वहां पे इनको फाइनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्थिक संकट की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट
ही इनको आर्थिक संकट से उबार सकती है, इनको पैसे देकर के इनको मजबूत करती है। इसलिए इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको अच्छा सा बैंक्स को पालन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं सरकार तथा केंद्रीय बैंकों की नीतियों का पालन। उत्पादकता या लाभदायकता का सिद्धांत, यानी ये बैंक्स को हमेशा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जहां पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो, लाभ हो। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहां पर उनको प्रॉफिट की संभावना कम हो या नहीं हो या नुकसान की संभावना उसमें ज्यादा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैंक सिद्धांत के अंतर्गत बैंक द्वारा पूंजी का इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय बैंक्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन हमने देखा, फिर निवेश नीति के सिद्धांत देखा, और इसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसकी जो दो नीतियां हैं उसका अध्ययन करेंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और एक नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखें ये तीसरा चैप्टर, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो एक्सचेंज रेट को मैं बताया था, तो एक बच्चों का डिमांड था इसलिए मैं डाल दिया। आज के लिए इतना ही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़ें, देखें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ धन्यवाद।